हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? ठीक, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मेरा दूसरा दिन बाकू अज़रबैजान में और मैंने एक बोल्ट एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जिस तरह पाकिस्तान में कैरिम और ऊबर है। तो मैंने टैक्सी बुक की है, ये वो टैक्सी है जो मेरे लिए इंतज़ार कर रही है। तो अभी मैं इसमें बैठ के कहाँ पर जाऊँगा? हैदर अली सेंटर। हैदर अली न्यू बाकू सिटी में आता है और बहुत ज़बरदस्त लोकेशन है, बहुत अच्छी जगह पर, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ पर जाते। मैं उसकी सिग्निफिकेंस आपको बताऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या होता है और क्या खास बात है कि मैंने वो क्यों चूज़ किया। हेलो हेलो, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज हुसैन। हुसैन हुसैन हुसैन, हाँ इसका नाम है हुसैन जी। और अब हम जाए हैदर अली से तरह। बिस्मिल्लाह, अभी मैं जाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि इसके अंदर है क्या। वैसे ये बिल्डिंग बाहर से बहुत ज़्यादा प्यारा है और इसके इर्द गिर्द जो इलाका है वो मैं आपको अभी कैमरे से दिखाता हूँ कि इसके इर्द गिर्द जो इलाका है वो काफ़ी प्यारा है और घूमने के लिए बहुत ज़बरदस्त स्पॉट है। तभी तो लोग यहाँ पर आके सबसे पहले हैदर अली सेंटर आते हैं ज़रूर। जी जनाब, ये रहा मेरा टिकट, 15 मनात का ये टिकट है और ये 15 × 30 = 35 = 40 × 4 = 12 तकरीबन 1400-1300 पाकिस्तानी रुपए इनसे बनते हैं, 1500 तकरीबन। और अभी मैं स्टार्ट कहाँ से लूँ ये मुझे पता नहीं है, लेकिन सीधे ही जाऊँगा। ये म्यूज़ियम है जो हैदर अली सेंटर के अंदर म्यूज़ियम है। अच्छा, ये हैदर अली सेंटर बनवाया किसने था? ये एक इराकी था जो अभी ब्रिटिश नेशनल है, ब्रिटिश इराकी, उसका नाम है ज़ाहा हदीद। ज़ाहा हदीद ने ये बनवाया था और ज़ाहा हदीद ने काफ़ी बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए। कोरिया में भी शायद उसने 2-3 बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाए, तो वो बहुत बड़ा और मशहूर आर्किटेक्चर है। तो ये बहुत ज़बरदस्त, पूरा कलर इसका वाइट वाइट है, मैं आपको दिखा दूँ।
प्यारा सा रेस्टोरेंट है हैदर अली मरकज़ के अंदर। आप यहाँ से खा सकते हैं, पी सकते हैं, जो चाहे जो दिल की मर्ज़ी हो। ये प्यारे प्यारे से टेबल आप लोग देख रहे हैं, रिज़र्व्ड उस पहले का मतलब वो पहले से रिज़र्व्ड है। और ये मिनी बार है, इसमें शराब, कबाब, जो चीज़ आप पीना चाहते हैं, जो आप खाना चाहते हैं वो यहाँ पे मिलता है। केक भी मिलता है, चाय भी मिलती है। तो ये प्यारे प्यारे से सीट्स बने हुए, ये मेरे ख्याल में सीट्स है। हाँ, ये सीट है, देखो कितना प्यारा सीट है, इस पर मैं अभी बैठ गया हूँ। तो चलो चलते हैं और भी मज़ीद अंदर। ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, तो मैं इस गाड़ियों को कुछ वीडियो करके आप लोगों को दिखा दूं। हैदर अली म्यूज़ियम। द अलवी फैमिली, ये अलवी की फैमिली है, हैदर अली की फैमिली। हैदर अली, ये हैदर अली स्टूडेंट जब थे 39 की तस्वीरें। ये हैदर अली 1952 में इस तरह लग रहे थे। हाँ, ये पहली दफ़ा है कि मैं डिजिटल म्यूज़ियम में आया हूँ। ये सारी चीज़ें डिजिटल है, सब चीज़ें डिजिटल हैं, ये आप देख लें। सारी चीज़ें डिजिटल है, ये पूरी हिस्ट्री लिखी है इनकी। ये 1944, फिर ये 1969, फिर जब कंट्री बनी। ये अभी असली चीज़ें हैं, असली। ये एक अजीब सी स्टूडियो अंदर है, मैं भी ये आपको दिखा दूं। हाँ, ज़बरदस्त। ये हैदर अली बात कर रहे हैं, मैं सीट पे आराम से बैठता हूँ। और ये टीवी आप लोग को भी दिखा दूं और आप लोग भी देख लें, थोड़ा ये सीन देख लें आप। आई लव बाकू, हु डजंट। ये वो लोगो है, जो लोग बाकू आते हैं अज़रबैजान, तो इस लोगों के साथ ज़रूर पिक्चर खींचते हैं। ये लोगो हैदर अली सेंटर के बीच में बना हुआ है और सारे लोग यहाँ पे ज़रूर पिक्चर लेने आते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, आई लव बाकू, इसका मतलब है मुझे बाकू से प्यार है। आप लोगों को है? अगर है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।